hello friends welcome back sam here and you are watching learn english easily how are you all i hope you all are fine friends i love making fascinating videos related to daily life that will help you enhance your vocabulary and speaking skills so stay hooked on to my youtube channel that is learn english easily i hope this video will be beneficial for you so without wasting time get started टूडेन दिस अर्न समे लाइफ सेंटेंसिस दैट वी यूज़ इन आयर डे टू डे लाइफ सो लेट स्टार्ट फोस्ट सेंटेंसिस अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ज्यादा डिस्काउंट दे देता अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ज्यादा डिस्काउंट दे देता इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे इफ़ आई हैड माई वे सो आई वुड गि हिम मोर डिस्काउंट इफ़ आई हैड माई वे सो आई वुड गिव हेम मोर डिस्काउंट नेक्स्ट सेंटेंस है लेकिन हम उसकी तरह अमीर नहीं हैं लेकिन हम उसकी तरह अमीर नहीं हैं इसको हम इंग्लिश में इस वैसे बोलेंगे बट वी आर नॉट पिच्चर लाइक हेम बट वी आर नॉट प्र लाइक हेम नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बिना बुलाए शादी में जाना अच्छा नहीं लगता मुझे बिना बुलाए शादी में जाना अच्छा नहीं लगता ये सेंटेंस आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई बोल रहा हो कि चलो चलो पर उस जगह पे आपको नहीं बुलाया हो। जैसे कि यहाँ पे शादी का ही एग्जाम्पल है तो अच्छा नहीं लगता तो आप इसको इंग्लिश में इस विषय भी उससे बोल सकते हो आई डोंट लाइक क्रैशिंग द पार्टी आई डोंट लाइक क्रैशिंग द पार्टी नेक्स्ट सेंटेंस है कल उसका एक्सीडेंट हो गया कल उसका एक्सीडेंट हो गया इसको इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे नेक्स्ट सेंटेंस है अच्छा कैमरा होना मेरे दिल की इच्छा है अच्छा कैमरा होना मेरे दिल की इच्छा है इसका इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे हैविंग अ गुड कैमरा इज माय होल हार्टेड विल नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है जो मुझे बुलाता है मैं केवल उसकी पार्टी में जाता हूँ जो मुझे बुलाता है मैं केवल उसकी पार्टी में जाता हूँ इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे आई गो टू हिज पार्टी ओनली हु इन्वाइट्स मी आई गो टू हिज पार्टी ओनली हु इन्वाइट्स मी हिज तब यूज होता है जब हम किसी बॉय की बात करते हैं हर तब यूज होता है जब हम किसी गर्ल की बात करते हैं चलो ये देखते हैं कि इस सेंटेंस में हर किस वे में यूज होगा आई गो टू हर पार्टी ओनली ओनली मी मी आई गो टू हर पार्टी नेक्स्ट सेंटेंस है तुम इसे हमेशा के लिए रख सकते हो तुम इसे हमेशा के लिए रख सकते हो इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे यू कैन कीप इट फॉर एवो यू कैन कीप इट फॉर एवो नेक्स्ट सेंटेंस है इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने तुमसे कुछ नहीं खा इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने तुमसे कुछ नहीं खा इसको हम इंग्लिश में इस फेस बोलेंगे डिस्पाइट द एवरीथिंग दैट हैपन आई सेड नथिंग टू यू डिस्पाइट द एवरीथिंग दैट हैपन आई सेड नथिंग टू यू नेक्स्ट सेंटेंस है जो भी होगा देखा जाएगा जो भी होगा देखा जाएगा इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे डैम द कॉन्सिक्वेंस डैम द कॉन्सिक्वेंस नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने एक महीने में कितनी तरक्की की तुमने एक महीने में कितनी तरक्की की इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे हाउ मच प्रोग्रेस डिड यू मेक इन अ मंथ हाउ मच प्रोग्रेस डिड यू मेक इन अ मंथ जब आप किसी से पूछते हो कि तुमने एक महीने में कितनी तरक्की की तब इसको इंग्लिश में इस वह से भी पूछ सकते हो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास कितने रुपए हैं आपके पास कितने रुपए हैं ये हम किसी से पूछते हैं तब हम उसको इंग्लिश में इस वह से बोल सकते हैं हाउ मच मनी डू यू हैव हाउ मच मनी डू यू हैव नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ हम इंग्लिश में वे से बोलेंगे हाउ मे आई असिस्ट यू हाउ मे आई असिस्ट यू नेक्स्ट सेंटेंस है हो सकता है मेरा मोबाइल भास्कर के पास हो हो सकता है मेरा मोबाइल भास्कर के पास हो इसको हम इंग्लिश में वे से बोलेंगे भास्कर मे है माई मोबाइल नेक्स्ट सेंटेंस है ये तुम अपने पास रखो ये तुम अपने पास रखो इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे यू कीप इट विद योर सेल्फ यू कीप इट विद योर सेल्फ नेक्स्ट सेंटेंस है क्योंकि अगर आप खुलकर बात करते हो तो ये हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि अगर आप खुलकर बात करते हो तो ये हमारे लिए अच्छा होगा इसको इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे बिकॉज इफ यू टॉक Openly, openly, so so it it will will be be better better for for us. us. Because if you talk है, आप जो भी अपने भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं खुलकर बात करो आप जो भी अपने भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं खुलकर बात करो इसको हम इंग्लिश में इस विषय बोलेंगे Whatever you want to talk about your future, tell openly. Whatever you want to talk about your future, talk openly. So, friends, that's all for today. We'll meet again with one more interesting video. Till then, if you like the video, please don't forget to like, share, and subscribe. Learn English easily. Thanks for watching. Have a wonderful day. Bye bye.